हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? होप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए किसी कमाल की ट्रिक लेकर आया हूँ, इस ट्रिक की मदद से। गाइस, अगर आप मतलब मैं इस वीडियो में ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिस ट्रिक की मदद से आप अपने रिसेंट एप्लीकेशन स्टाइल को चेंज कर सकते हो। आप कैसे अपने रिसेंट एप्लीकेशन स्टाइल को चेंज कर सकते हो Xiaomi के किसी भी डिवाइसेस में। गाइस, आपको मतलब इरिटेटिंग लगता होगा, मतलब कुछ लोगों को ये ट्रिक मतलब ये चीज़ पसंद नहीं आती है, रिसेंट एप्लीकेशन स्टाइल। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप मतलब किसी भी अदर एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। बड़े आसान तरीके से मतलब आप अपने रिसेंट एप्लीकेशन स्टाइल को चेंज कर सकते हो बड़े आसान तरीके से। दोस्तों, इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखोगे तो आपको चीज़ पता चल जाएगी जिस तरीके से मतलब आप अपने रिसेंट एप्लीकेशन स्टाइल को चेंज कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को ये बोरिंग लगता है, लेकिन जिन लोगों को मतलब आप बहुत अच्छी तरीके से मतलब एक रिसेंट एप्लीकेशन स्टाइल को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कस्टमाइज नहीं कर सकते, लेकिन चेंज करने के बाद मतलब एक अदर डिवाइसेस में जैसे रिसेंट एप्लीकेशन स्टाइल होते हैं कुछ वैसे ही आप समझ सकते हो, कुछ वैसे रिसेंट एप्लीकेशन स्टाइल आप किसी भी Xiaomi के डिवाइसेस में अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मतलब एक बहुत ही डिटेल के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है जिन लोगों को जानना है कि आप कैसे अपनी रिसेंट एप्लीकेशन स्टाइल को चेंज कर सकते हो। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलिए मैं आगे इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है चैतन्य और आप देख रहे हैं सुपर ब्रोटेक यूट्यूब चैनल। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद गाइस आपको मतलब सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको होम स्क्रीन वाले का ऑप्शन दिखाई देगा। इस होम स्क्रीन वाले कोई ऑप्शन को आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे यहाँ पे देख सकते हैं अरेंज आइटम इन रिसेंट्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद देख सकते अरेंज आइटम्स इन रिसेंट्स, अरेंज आइटम्स रिसेंट मतलब यहाँ पे आप अपने आप रिसेंट एप्लीकेशन स्टाइल को यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो बड़े आसान तरीके से। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, बस यहाँ पे आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टली पे क्लिक कर देता हूँ, देख सकते हैं गाइस यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जिन लोगों को मतलब ये पहले वाला अच्छा लगता है तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टली करोगे तो यार कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अगर आप किसी को चेंज करना चाहते हो तो मतलब बड़े आसान तरीके से बहुत अच्छी लगती है ट्रिक। बस यार, इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए एक ही कंडीशन है गाइस कि आपका जो डिवाइस है Xiaomi का, आपका जो डिवाइस है उसको एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड होना चाहिए, मतलब ओ एंड्रॉयड 11 होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा डिवाइस एंड्रॉयड 11 है। यहाँ पे मैं आपको फंसा नहीं रहा हूँ, मतलब एक ओरिजिनल यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि एंड्रॉयड 11 होना ही चाहिए किसी भी Xiaomi के डिवाइसेस में ये ट्रिक अप्लाई करने के लिए। अगर आपका एंड्रॉयड 11 नहीं है या फिर 10 है या फिर 9 है, लेकिन अगर आपका कोई 10 है या फिर 9 है तो आपको यहाँ पे होम स्क्रीन जैसे फीचर्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, या फिर अरेंज आइटम इन रिसेंट्स मतलब यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन ऐसे कुछ आपको फीचर्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपका एंड्रॉयड 11 है तो आपको ऐसे बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इन फीचर्स का मतलब बहुत अच्छा यूजेस होता है और बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट होने वाला है अगर आपका एंड्रॉयड 11 है तो। अगर आपका एंड्रॉयड 10 है तो यार थोड़ी देर आपको वेट कर लेना चाहिए, बहुत जल्द आपको भी एंड्रॉयड 11 का अपडेट मिल जाएगा। तो यार, जिन लोगों के पास मतलब एंड्रॉयड 9 है या फिर एंड्रॉयड 10 है वो लोग तो यार नहीं कर सकते, लेकिन जिन लोगों के पास मतलब 10 है उन लोगों का अपडेट भी बहुत जल्द मिलने वाला है, और जिन लोगों का एंड्रॉयड है तो यार उन लोगों के लिए ट्रिक तो है ही। बस यही था इस वीडियो में। यहाँ पे आप देख सकते हो होम स्क्रीन में जाना है और यहाँ पे रिसेंट आइटम्स यहाँ पे क्लिक करना है, अरेंज आइटम रिसेंट मतलब बहुत अच्छे तरीके से मतलब ये वर्क करता है। अगर आपका मतलब बहुत स्मूथनेस चलता है, अगर आपको कोई मतलब रिसेंट एप्लीकेशन स्टाइल चेंज करनी थी तो यही था ये वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आप कोई मतलब ऐसे नॉलेजेबल वीडियो चाहते हो, अगर आप ऐसे ही कुछ वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ, प्लीज़ यार मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। अगर हमारे चैनल पर मतलब आप कोई ऐसा चाहते हो कि गाइज मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो आप नीचे कमेंट करके मुझे सजेशन जरूर दे सकते हो। मैं जरूर से जरूर ट्राई करूँगा कि आपके सजेशन पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बस यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए। तो इसी वीडियो के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.